माजी जल्दी आइए ना। चलो, माजी ने मन से थोड़ा सा खा लिया। माजी बैठिए खाना। हाँ। छोटी मोम, तेरे हाथ में क्या हुआ? नहीं माजी, कुछ नहीं, मैं सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। छोटी बहू, पहले बताओ ये चोट कैसे लगी? छोटी बहू तुम्हें मेरी कसम। माजी वो मुझे आज बर्तन साफ करने का काम मिला था। माजी हम बर्तन तो अपने घर में भी धोते हैं ना, काम तो काम ही है ना, छोटा हो या बड़ा, मुझे काम मिला मैंने कर दिया। जरूर मैंने पिछले जन्म में मोती दान किया होंगे जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। आज तूने जो किया है ना, शायद ही दुनिया की कोई बहू ऐसा कर सके। माँ जी मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। जानती आप यहीं कहीं आसपास हैं। वक्त ने चाहे हमारे बीच कितनी भी दूरियां पैदा कर ली, लेकिन मैं इन दूरियों को मिटाकर रहूंगी। मैं यहां हर रोज आऊंगी और तब तक आऊंगी जब तक आप मुझे मिल नहीं जाते। सुनिए, बहुत सुरीला गाती हैं आप। आज आपको गाते हुए सुना तो ऐसा लगा मानो साक्षात सरस्वती माँ आपके गले में विराजमान है। ये मेरी बेटी है। नमस्ते। इसे गाने का बहुत शौक है। मैं अपने आसपास में एक संगीत टीचर को ढूंढ रही थी लेकिन मुझे कोई मिला ही नहीं, लेकिन आज आपको गाते हुए सुनकर ऐसा लगा मेरी बेटी को आपसे अच्छा संगीत तो कोई सिखा ही नहीं सकता है। आप मेरी बेटी को संगीत सिखाएंगी ना? देखिए मुझे संगीत का ज्ञान जरूर है, लेकिन मैंने कभी किसी को शिक्षा। देखिए आप ना मत कहिएगा, आप जितनी कहेंगी उतनी फीस देने के लिए मैं तैयार हूँ। दरअसल मुझे और मेरे परिवार को अभी पैसों की जरूरत तो है। फिर सोचिए मत, हाँ कह दीजिए ना। तो हाँ कह दीजिए ना दीदी, मुझे आपकी तरह ही सुरीला गाना सीखना है। प्लीज दीदी प्लीज, हाँ कह दो ना प्लीज। बच्ची इतना जिद कर रही है तो फिर हाँ कह दीजिए ना प्लीज। ठीक है, मैं आपकी बेटी को संगीत की शिक्षा जरूर दूंगी। ये मेरा कार्ड रख लीजिए, इसमें मेरे घर का एड्रेस है और आप कल से ही आ जाइएगा। जी। और हाँ ये कुछ एडवांस रख लीजिए। जी नहीं, मैं इस तरह से पैसे नहीं ले सकती, मैंने तो अभी आपकी बेटी को शिक्षा देना शुरू भी नहीं किया। जी नहीं, चिंता मत कीजिए, आप पैसे रख लीजिए, हिसाब तो महीने के अंत में कर लेंगे हम लोग, आप रख लीजिए ना। धन्यवाद। नमस्ते। माँ जी। अरे छोटी बहू कहाँ रह गई थी तुम? माँ जी अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ये लीजिए। ये तुम तो देव को ढूंढने गई थी ना, फिर ये रुपए? अच्छे काम के लिए गई थी तो अच्छा तो होना ही था। मुझे एक बच्ची को संगीत सिखाने का काम मिला है, ये पैसे उन लोगों ने पहले ही दे दिए, बहुत अच्छे लोग हैं। माँ भाभी जी
नमस्ते चाची जी, नमस्ते। माँ जी, ये बच्चे तुम्हारे अलावा इस घर का एक बेटा भी है, जिसे इस हालत में भी परिवार का पेट पालने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है। विवेक ने भी पड़ोस के कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आज मैं गर्व के साथ सर ऊंचा करके कह सकती हूँ कि जिस माँ के तुम्हारे और विवेक के जैसे बच्चे हों, वो माँ कभी दुखी नहीं रह सकती। माँ जी, मैं आपके विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दूंगी। खुश रवि, संगीत कक्षा जा रही हो? रुको तभी तो। बहुत दिनों से एक बात पूछना चाह रही थी। बेटा, आज अगर देव जीवित होता तो अब तक तो आ गया होता ना। जिस तरह तुम उसके लिए परेशान रहती हो, वो भी तो तुम्हारे लिए परेशान होता, वो भी तो तुम्हारे लिए तड़पता ना। एक बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मेरा देव तुम्हारे बिना और अपने परिवार के बिना ज्यादा दिन नहीं रह सकता। माँ जी, अगर आज वो यहाँ नहीं है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। कान्हा ने हमारे साथ बहुत खेल खेले हैं, लेकिन कान्हा को ये खेल समाप्त करने ही होंगे, क्योंकि माँ जी, मेरा विश्वास अटूट है और वो जरूर लौट कर आएंगे। मुझे कक्षा के लिए देरी हो रही है, मैं जाती हूँ। बेटा, एक बात पूछूं? मैं बीते 4.5 वर्षों से देख रहा हूँ तुम हर रोज बिना नागा यहाँ आती है, और आज तक तुम्हें यहाँ आने से ना धूप रोक सकी, ना बारिश, ना ही तूफान। प्रतीत होता है कि तुम बड़ी बेकरारी से किसी का इंतजार कर रही हो। हाँ बाबा, मैं इंतजार कर रही हूँ इस शरीर की आत्मा का, अपने दिल की खोई हुई धड़कनों का। मैं उनका इंतजार कर रही हूं जिनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूं। जो इतने वर्षों से तुझे नहीं मिला, वो अब क्या मिलेगा? लौट जा। नहीं बाबा, जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं उनका इंतजार करूंगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है वो एक ना एक दिन लौट कर जरूर आएंगे। मेरे कान्हा स्वयं मेरे सुहाग को वापस भेजेंगे। तेरी लगन, तेरे दृढ़ निश्चय से मन प्रसन्न हो गया बेटा। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। बंसीधर तेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तुझे तेरा स्वाग मिलकर रहेगा। जय मुरारी। छोटी बहू, पूजा हो गई तुम्हारी? हाँ माँ जी, आज सवेरे सवेरे मिठाई लाल के हाँ बढ़िया लस्सी बनती दिखी, तभी हमें लगा घर जाके दही खाएंगे, और आपने दही मंगवा ली। मिलेगा मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा, लेकिन आज इस पर पहला हक किसी और का है। किसका?
छोटी बहू का इंटरव्यू है ना, उसे दूंगी। जानते हैं माँ जी, अच्छी तरह से जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि हर बार छोटी बहू के इंटरव्यू से पहले आप उनको दही और शक्कर खिलाती हैं। अरे माँ जी, आप हमारा विश्वास रखिए, इस बार भौजी को नौकरी जरूर मिलेगी। काना हमारी लाज रखना है। मुंह में घी शक्कर। ए माँ, जिन बच्चों के सर पर आप जैसी माँ का आशीर्वाद हो, उन्हें दही और शक्कर की क्या जरूरत है, उन्हें तो नौकरी मिलनी ही मिलनी है। ठीक कहा विवेक भैया ने। भगवान तुम्हें सफल करे। बेटर आइडिया, इस बार ना आप छोटी बहू की नौकरी के लिए नहीं, नौकरी पे टिके रहने के लिए प्रार्थना कीजिए। थोड़ा वो क्या है ना, इतने सालों में इतनी नौकरियां बदल चुकी है, टिकती तो है नहीं। चुप भी करो मृणालिनी, क्यों अच्छे समय में बुरी बात कर रही हो? अरे मैं बुरी, मेरी बातें बुरी, और तो अरे पोहा भी बुरा है, नमक है नहीं इसमें। बिरजू, नमक लेकर आना। जी। तो क्या आना विवेक, मेरी ना सच बोलने की बुरी बीमारी है। तुम तो किचन में झांक कर देखते नहीं, लेकिन बाकी किसी से कुछ नहीं छुपाए। अगर नौकरी सही निकली ना, तो फिर देखिएगा वहाँ से कुछ मिठाई भी खा के आएंगे हम खुद ही खुद। अब आशीर्वाद दीजिए हमें। हाँ बेटा, आशीर्वाद हमेशा साथ है तेरे। भौजी हम निकल रहे हैं। कान्हा आपका हर काम सफल करे। धन्यवाद भैया। माँ जी। हाँ बेटा। मैं भी जाती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। राधिका, राधिका। अरे ये तू है, मैंने पहचाना ही नहीं, लेकिन तुमने ये सूती साड़ी क्यों पहनी है? अरे जब मैं इतनी बड़ी होकर जब इतने, मेरी भी साड़ी ऐसी है वैशाली, तुमने भी ऐसे साधारण कपड़े पहन रखे, क्यों तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे? दादी माँ, वो आप बीमार है ना, तो वैद्य जी ने कहा है कि आपको हल्के कपड़े पहनाएं, इसीलिए हम सबने सोचा कि अगर आप हल्के कपड़े पहन रही हैं, तो हम क्यों ना पहने। लो सुनो इसकी बात। अरे बेटा, बुढ़ापे में हम कुछ भी पहने चलता है, लेकिन तुम लोगों के तो पहनने ओढ़ने के दिन है, अच्छे कपड़े पहना करो। अरे हम पुरोहित खानदान से हैं, कोई ऐसे वैसे थोड़ी ना है। पुरोहित खानदान मार्फत प्रणाली सब कुछ बदल गया, सिवाय तुम्हारे। इस वर्तमान में अब भी इतिहास की तरह चिपकी हुई हो। विवेक माँ जी के लिए पानी लेकर आओ। तो पानी पियेंगी ना माँ जी? हाँ प्यास लगी है। जा बेटा। जाओ ले आओ। दादी माँ, वो मैं दान करने के लिए अनाथ आश्रम जा रही थी, मैं जाऊं? अरे हाँ बेटा, अनाथों की सेवा करने से तो बड़ा पुण्य मिलता है, जाओ बेटा जाओ। जी कुछ रहो। क्या करूं, नौकर सारे छुट्टी पे गए ना, इसलिए है ना मम्मी जी। चलो अच्छा किया, नौकरों को छुट्टी दे दी। अरे हाँ वैशाली जी, देव कहाँ है? उसका नाश्ता तैयार है ना, उसे भी तो मत जाना होगा। हाँ जी माँ जी, लेकिन देव तो नाश्ता करके कब का चला गया। चला गया वो मत? चला गया? अरे तू छोटी बहू को साथ क्यों नहीं ले गया? माँ जी अब जाए नौकरी पे, नहीं तो साहब पहले दिन ही ड्यूटी से निकाल देगा। अच्छा माँ जी हम चलते हैं। हाँ बिरजू, तू है दादी माँ। अरे ये क्या पहना है, ये तो वर्दी लगती है। वो दादी माँ, वो देव भैया अब बहुत बड़े आदमी हो गए ना, बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, मतलब इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि अब उनके साथ मिलके चलने के लिए वर्दी पहननी पड़ेगी ना, कहे कि इज्जत की बात हो जाती है ना दादी माँ अब है। हाँ वो तो है, लेकिन ये देव है कहाँ,
कब से नहीं मिला है। मेरी आंखें तरस गई उसे देखने के लिए। कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता मुझे। उसे कह देना कि अब आएगा ना घर में तो मुझसे मिले बिगर कहीं नहीं जाएगा वो। अरे कितना मन करता है उसके साथ बैठ के बातें करूं, उसके और छोटी बहू के लिए अपने हाथ से सूजी का हलवा बनाऊं। उन दोनों को बहुत पसंद है ना, है ना? मुझे भी बहुत पसंद है। हम तीनों बैठ के खाएंगे। जी, जी दादी ना। याद से कहना हाँ। जा जा जा। नहीं सुनाली, कैसी है तू? अब भैया कैंडी फ्लॉस बनाइए। नहीं यार, मैं घर जा रही थी और रास्ते में एक कैंडी फ्लॉस वाला दिख गया। और तुम तो जानती हो दीपक की जिद। तू बता, तू कैसी है? ये मेरा बच्चा है, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। बेटा तुम ठीक तो हो ना बेटा? थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ नहीं आती और इसे कुछ हो जाता तो इसके पापा और मेरी माँ तो मुझे मार ही डालते। वैसे इसके पापा कभी गुस्सा नहीं करते, लेकिन वो क्या है ना, अगर इसे जरा सी खरोंच भी आ जाए तो वो तूफान खड़ा कर देते। दीपक बेटा प्लीज अपने पापा से कुछ मत कहना। नहीं बताऊंगा। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं आपसे आपका नाम पूछना ही भूल गई। जी मैं राधिका हूँ। मैं कनिका। कहाँ जा रही थी आप? वो एक छोटा सा इंटरव्यू था। बेस्ट ऑफ लक। अब आप चाहें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। मम्मा कहेंगे। दीपक तुम्हारे इस कैंडी फ्लॉस की वजह से सब कुछ हुआ है। अरे कनिका जी, बच्चा है, अभी जिद नहीं करेगा तो कब करेगा? आपको कैंडी चाहिए? मैं अभी लेकर आती हूँ। दीपक पापा से कुछ नहीं कहोगे ना, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी पक्का। राधिका जी आप पैसे मत दीजिएगा। ड्राइवर कैंडी फ्लॉस वाले को पैसे दे दो। दीपक प्रॉमिस करो ना, तुम कुछ नहीं कहोगे वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। प्रॉमिस। और माँ को भी नहीं कहोगे ना? ये लो। थैंक यू आंटी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे राधिका। वैसे मैं कभी कभी और किसी किसी के लिए ही प्रार्थना करती हूँ, लेकिन आपके लिए प्रार्थना जरूर करूंगी। और देखिएगा, आपको ये नौकरी जरूर मिलेगी। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो आप एक काम कीजिए, ये मेरा कार्ड रखिए। आप किसी भी वक्त मेरे घर आ सकते हैं और मेरी माँ है वो चुटकियों में आपकी नौकरी लगवा देंगी। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है, अगर आपके लिए कुछ करना पड़ेगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। राधे राधे, मैं अब चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। चले माथुर जी। जी छोटे मालिक, समझ गया। क्या समझ गए बे? यही कि हमसे फिर से कोई गलती हो गया है। पर मालिक हमसे कहा गलती हो गया? बुढ़ा पक टकला पर से सारे बाल चले गए हैं पर बुद्धि नहीं आया है तुमको अभी तक। अरे तबेला से आए हो का? ये सब कहा है? सबके सब पुरुष
अरे भाई, हमको अपने स्कूल में पढ़ाना है, ये दाढ़ी मुंह दिखा के डराना नहीं है। हमको अपनी आंगनवाड़ी को सजाने के लिए एक खूबसूरत और नाजुक सा फूल चाहिए, मतलब शिक्षिका, शिक्षक नहीं। समझ गए मालिक, समझ गया, आपने बिल्कुल सही कहा है। इसलिए हमने कैंडिडेट की जगह पर इस फाइल में सबसे ऊपर औरतों का नाम रखा है। ये देखिए, ये है गायत्री देवी। उम्र कितना है इनका मालिक? तजुर्बेकार है, 52 साल की। देखिए राधिका जी, ना तो हमारी दिलचस्पी आपके पति में है, ना आपके घर में है, हमको तो आप में दिलचस्पी है। देखिए राधिका जी, ना तो हमारी दिलचस्पी आपके पति में है, ना आपके घर में है, हमको तो आप में दिलचस्पी है। मैंने संगीत मंदिरों में भजन गाकर सीखा है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। भगवान कसम राधिका जी, जो खुद साक्षात संगीत की देवी लगे, उसके लिए क्या डिग्री। आपके तो चेहरे पे, आपकी आंखों में, आपकी बातों में, आपके होठों में, मेरा मतलब है कि आपके तो रोम रोम में संगीत छलकता है। मुझे किस वर्ग के बच्चों को संगीत सिखाना होगा? देखिए राधिका जी, वो क्या है, अब कहने के लिए तो आप केवल बच्चों को संगीत सिखाएंगी, पर हम ये चाहते हैं कि आपकी कला का फायदा यहाँ के बड़े भी उठाएं। बस कभी कभार शिक्षा विभाग के लोग यहाँ आते हैं, बस आप ये कीजिए कि कभी कभार गेस्ट हाउस जाकर उन्हें भी थोड़ा ज्ञान बांटाइए। आप कहना क्या चाहते हैं? आप समझी नहीं, क्या है ना राधिका जी, कि जो औरत अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने के लिए घर की चौखट से बाहर कदम रखते, उसे ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। समझ रही है ना, घर का चूल्हा बंद हो जाता है। और वैसे भी आप जैसी महिला के लिए तो दुगना फायदा है, पैसे मिलेंगे सो अलग, और इतने सालों का जो अधूरापन है वो भी पूरा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जी, मैं अब आपकी पूरी बात का मतलब समझ चुकी हूं। अब आया ना मजा, आजकल की महिलाओं से मिलकर इसलिए हमको बहुत खुशी होती है, आजकल की महिलाएं बहुत समझदार हैं। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बहुत प्रैक्टिकल है। तो क्या सोचा आपने राधिका जी? आप मेरे साथ बाहर आएंगे? जरूर। तो ये रहा मेरा जवाब यदुवंशी जी।
क्या बात है माँ, आप परेशान लग रही हैं? नहीं बेटा, बस यही सोच रही थी कि पितृमोक्ष की अमावस्या आने वाली है, तो हमारे बाबूजी के साथ साथ। बाबूजी के साथ साथ क्या माँ? सोच रही थी बाबूजी के साथ साथ देव के लिए भी पूजा करवा देती, उसकी आत्मा की शांति के लिए। ये आप क्या कह रही माँ? पितृमोक्ष? पितृमोक्ष तो उनके लिए किया जाता है जो ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, किंतु राधिका तो अभी यही मानती है कि देव जीवित है, उसे कैसे समझाएंगी आप? उसे समझना होगा विवेक, समझना होगा उसे। 5 साल होने को आए, आज तक हम छोटी बहू की वजह से ही तो चुप रहे। क्या बात है, क्या बात है, गोदाम में तो काफी माल जमा किया सेठ, सब पब्लिक का मार मार के, क्या समझे? समझे समझे। देखिए वो जो कह दिए ना, पत्थर की लकीर है, समझ लीजिए। समझ लिया। हाँ। लेकिन तुम नया माल दिखाने वाले थे। कहाँ है माल? अरे थोड़ा सबर करो सेठ। हाँ। वो तो खुद माल लेकर आ रहे हैं, आपका किस्मत अच्छा है, क्या समझे? समझे समझे। ये लो माल आ गया, क्या समझे? अब समझे। आने दो आने दो। अरे आ जाओ भैया आ जाओ। एकदम सही एकदम सही। ये देखो माल आ गया। अरे अरे देखो अभय बाबू भी आ गए। अरे मुन्ना तुम, अभय बाबू कहाँ है? अभय बाबू वहाँ है, वहाँ है। अरे वहाँ। अरे अभय बाबू नमस्कार। अग्रवाल सेठ आया, नमस्कार करो भाई। हाँ नमस्ते नमस्ते जी। अभय बाबू अग्रवाल सेठ को ही माल देना, दे दू। लेकिन माल का दाम कहाँ हुआ है? अरे तो दाम हो जाएगा सेठ, आइए आइए। बोलिए था, बोल लगाइए भाई, लगाइए बोली। हाँ 5 लाख। 5 लाख? अभय बाबू का लाया हुआ गेहूँ है, सोना के भाव बिकता है, समझे? अरे आप लोग लगाओ भाई, आप लोग लगाओ। 7 लाख। 7 लाख। देखिए सीखिए अग्रवाल भाई सीखिए। 12 लाख। 12 लाख। देखिए देखिए सीखिए सेठ। 13.5 लाख। हाँ ये रही ना बात। 13.5 लाख। 1। 13.5 लाख। 2। 13.5 लाख। 3। माल आपका हुआ। इन लोगों को नहीं मिलेगा। अरे माल उतारो भाई, माल उतारो। अरे इसमें तो 10 किलो कम है। अरे इसमें क्या बात हुआ भैया, भरने में गलती हो गई होगी। दूसरा गोली उतारो भाई। अब देखिए अगर बात। अरे ये भी 10 किलो कम है। अभय बाबू एक में कम है, ठीक है दूसरा भी तीसरा भी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।